Okay, so today's training content is book walkthrough. और जो book आज हम जिसका walkthrough करेंगे, quick walkthrough करेंगे, 25-26 मिनट का हमारा ये session होगा, जिसमें हम लोग walkthrough करेंगे एक book का, FLP का authorized literature है, जिसका नाम है Good Health. ये जो book है, इस book के अंदर इतनी सारी information है, बिल्कुल authorized information है. देखिए Google और YouTube और Pinterest और Instagram इन सब जगह से कोई इंफॉर्मेशन मत निकालिए अगर आपको रियली में ऑथराइज इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको अगर बिल्कुल ऑथराइज बिल्कुल एक्यूरेट राइट इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट्स की तो ऑलवेज रेफर फॉरएवर ओन लिटरेचर और एक लिटरेचर जिसके बारे में हम लोग शेयर करने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं वो है गुड हेल्थ. ये हमें से हर किसी के पास होना चाहिए. इंडियन करेंसी के हिसाब से ये बुक अगर आप परचेज करेंगे तो ये 35 rupees की है सिर्फ. So this works as your knowledge source also and this works as your tool also, business tool. अगर आप ये book किसी के साथ share करते हैं तो इस book के अंदर ऐसी information लिखी है जो कि बहुत सारे questions एक customer के वैसे clear कर देती है. Okay? तो we are going to have walkthrough of this book. इसका content देखेंगे तो इसमें कुछ mainly forever का जो aloe vera है, aloe vera gel, उसके बारे में पूरा information है. और सबसे पहला जो है अबाउट एलोवेरा, फॉरएवर का एलोवेरा नहीं, ओनली एलोवेरा. तो एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो कि 3500 सालों से ये एक हीलिंग प्लांट की तरह इसको माना जाता है. ठीक है, और बाइबल में लिखा गया है और बहुत सारे बड़े बड़े जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, बहुत सारे लोग जो पुराने जमाने में थे वो सभी लोग इस प्लांट को यूज करते थे एज मेडिसिनल, बिकॉज ये मेडिसिनल प्लांट होता था. ओके, तो ऐसा नहीं है कि एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो कि अभी रिसेंटली इट इज अ मॉडर्न प्लांट. नो, ये बहुत पहले से इसके बारे में हम मतलब इंसान पहले से जानता था और बहुत सारे लोग इसको यूज करते थे. एंड एलोवेरा जो है एक ऐसा प्लांट है जो कि एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसकी 400 से ज्यादा स्पीसीज होती है. अब आपको ये जो फोटो दिख रही है एलोवेरा की, तो हो सकता है कि आपके घर पे भी एलोवेरा का प्लांट लगाओ, वो शायद कुछ ऐसे ही दिखता होगा. दिखता तो ऐसे ही है, बट There are 400 species of aloe vera, but एक उन 400 species में से 3-4 species ऐसी होती हैं जो कि जिसके अंदर medicinal property होती है. Okay? और उसमें से जो सबसे best होता है उसको बोलते हैं, उस species को बोलते हैं aloe barbadensis miller, और या तो उसको बोल सकते हैं true aloe. असलियत में aloe जो होता है वो होता है barbadensis miller. Okay? ये नाम है. Forever living product के जितने भी products हैं हमारे पास, वो सभी प्रोडक्ट्स के अंदर बार्बाडेंसिस मिलर स्पीसीज के ही प्रोडक्ट मतलब है इंग्रेडिएंट. ओके, यही प्लांट हम लोग हमारी कंपनी ग्रो करती है, कल्टीवेट करती है, और यही हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारे प्रोडक्ट्स में है. एलोवेरा को बोलते हैं इट इज अ मिरेकल प्लांट बिकॉज इट हैज फैंटास्टिक नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज. ओके, सो एलोवेरा हिस्ट्री में भी मतलब पुराने जमाने में भी ये बहुत ज्यादा फेमस प्लांट था. 400 स्पीसीज में से बेस्ट स्पीसीज है बार्बाडेंसिस मिलर. अगर हम एलोवेरा को और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें इस बुक के, अगर आप इस बुक को प्रॉपरली वॉक थ्रू करेंगे, लेकिन मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है. तो एलोवेरा को अगर हम यूसेज की बात करें, ओके, तो एलोवेरा को हम लोग एक्सटर्नल यूज और इंटरनल यूज दोनों के लिए कर सकते हैं, मतलब पी भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं. एलोवेरा हमारी स्किन के लिए इट इज वंडरफुल, मतलब हमारी स्किन के में जो भी माइनर बर्न्स होते हैं या फिर माइनर स्क्रैचेस होते हैं या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उसके लिए एलोवेरा एक मेडिकल प्लांट की तरह काम करता है. बिकॉज एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो कि पेनिट्रेट करता है हमारे स्किन के अंदर, प्रॉपरली पेनिट्रेट करता है. देखिए, अगर आप अपने हाथ के ऊपर या अपनी स्किन के ऊपर पानी डालते हैं तो पानी क्या आपकी बॉडी के अंदर चले जाता है क्या? नो. बट एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है या एक ऐसा जेल होता है ये, जो कि स्किन में जो तीन लेयर होते हैं वो तीनों लेयर तक पेनिट्रेट करता है. अब क्योंकि वो पेनिट्रेट करता है और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छी होती हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारी चीजें हमारी स्किन के लिए, स्किन का क्योर भी हो जाती है इससे. सो इट हील्स अवर स्किन फास्टर और स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट. तो स्किन केयर के लिए इट इज गुड प्रोडक्ट. एंड ऑल्सो जो भी प्रेगनेंट वुमेन होती है और जब उनका मान लीजिए सिजेरियन होता है और जो स्ट्रेच मार्क हो जाता है, वो जो स्ट्रेच मार्क होता है उसको भी रिमूव करने में एलोवेरा जेल बहुत ज्यादा यूज होता है, एलोवेरा जेल या एलोवेरा लोशन. ओके, तो जो भी रिंकल्स स्कार्स हो जाते हैं फेस पे स्किन में, अगेन उसके लिए बहुत अच्छा है. अगर किसी की बॉडी जल जाए, मतलब स्किन जल जाती है, तो
ये कूलिंग इफेक्ट की तरह भी काम करता है। ये सारी चीजें बुक में लिखी हुई है प्रॉपर्टी। ओके, और देखिए अगर एक इतनी बड़ी कंपनी कोई चीज अगर अपनी अपनी बुक में लिख रही है तो बहुत सोच समझ के लिख रही है। ओके, तो इस बुक को जरूर रेफर करिए आप लोग। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी रिलेटेड टू स्किन ही होता है। तो जैसे मैं आपको बताया कि जो स्किन की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी कंपनी ने लिख के दिया है सोराइसिस एंड एक्जिमा, इसके लिए ये हेल्प करता है कि उस पर ट्रीटमेंट के लिए। हालांकि हम लोग कभी ये नहीं कहते कि वी क्योर एनी डिसीज, बट एलोवेरा प्लांट में ही ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि सोराइसिस और एक्जिमा टाइप की बीमारियों के लिए भी इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। बहुत सारी एलर्जीज हो जाती है, ओके, इंसेक्ट बाइट हो जाता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों को मच्छर ने काट लिया तो उसके ऊपर भी आप इसको लगा सकते हो। मैन एंड एनिमल दोनों के लिए इट इज वेरी वेरी गुड। अब ये तो हो गया कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट ऑल्सो कॉस्मेटिक्स के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है, बिकॉज इसके अंदर 100% एलोवेरा तो है ही, एट द सेम टाइम एंटी ऑक्सीडेंट, विटामिन एंड मरीन एक्सट्रैक्ट्स, इस टाइप की चीजें भी जो होती हैं जो हमारी स्किन के लिए और ओवरऑल ब्यूटी के लिए इट इज वेरी वेरी गुड। स्किन केयर की हम बात कर ही रहे हैं कि माइनर कट्स हो जाते हैं, स्क्रैच हो जाते हैं, स्क्रैचेज हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। और ऑल्सो इट इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो टू द बर्न टिश्यू, अगर हमारे टिश्यूज बर्न हो जाते हैं तो वहां पे प्रॉपर ब्लड फ्लो के लिए भी एलोवेरा इज अ वेरी गुड प्लांट। ओके, बालों के लिए और जो स्कैल्प के लिए एलोवेरा इज वेरी वेरी गुड। तो एलोवेरा बेस्ड जो शैम्पू होते हैं वो डेंड्रफ और हेयर फॉल और बहुत सारे टाइप की जो बालों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? बिकॉज एलोवेरा एक ऐसा, जैसा मैं आपको बताया था, वो स्किन में पेनिट्रेट करता है और जो भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम जो फेस करते हैं लोग, जो बहुत सारे केमिकल वेमिकल यूज करते हैं ना आजकल, देखते हैं बालों में तो लोग कलर वलर भी लगा लेते हैं, तो वो सब केमिकल्स ही तो है। चलिए आप वो लगा रहे हैं वो एक अलग बात है क्योंकि आजकल तो स्टाइलिंग फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ एलोवेरा का एलोवेरा बेस्ड शैम्पू भी यूज करना चाहिए, सो दैट आपके स्कैल्प के लिए इट इज वेरी गुड। और आप एलोवेरा को लेकर, जैसे फॉरएवर का एलोवेरा जेली आता है, एलोवेरा जेली को हाथ में रखकर आप प्रॉपर अपने स्कैल्प में मसाज भी कर सकते हैं। जब आप मसाज करते हैं तो जो बालों के जो रूट्स होते हैं ना, उस रूट्स को वो स्ट्रेंथन करता है। ओके, तो एक तरीके से फॉरएवर का कोई बालों का तेल तो नहीं आता, बट जो एलोवेरा जेली है यू कैन यूज इट फॉर योर स्कैल्प मसाज, which is very good for dandruff and hair fall problems. दांतों के लिए और overall oral health के लिए it is very good. तो आपको पता ही है कि दांतों का bad breath और जो bacteria जो हमारे मुंह में होते हैं उन सब चीजों को remove करने के लिए it is very good. इसके अंदर antifungal property होती है। तो जिन लोगों के दांत बहुत ज्यादा sensitive होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा advertisement, ज्यादा ठंडा और गर्म से उनको feel होता है, तो ये एलोवेरा में ऐसी प्रॉपर्टी होती है विच इज वेरी वेरी गुड फॉर योर गम्स एंड टीथ ऑल्सो, सेंसिटिव टीथ के लिए इट इज वेरी वेरी गुड। तो देखिए मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं, ऐसा नहीं है कि एलोवेरा को सिर्फ पिया जाता है, एलोवेरा को लगाया भी जाता है, और जो बेस्ट स्पीसीज है परपेटेंसिस मिलर उसी से ही बना हुआ है हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एलोवेरा। ओके, अब फर्स्ट डे ऑफ दिस 5 days वर्कशॉप वी डिस्कस अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन। अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं तो उसका क्या बैड इफेक्ट होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले दिन। अब वो जो बैड इफेक्ट होता है वो टॉक्सिन्स की वजह से होता है। अब वो टॉक्सिन को रिमूव कैसे करें, व्हाट इज द सॉल्यूशन? एक तरीके से अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कचरा जमा है तो आप उसको झाड़ू मार के हटा सकते हो, बट आपकी बॉडी के अंदर अगर कचरा जमा है तो उसको साफ करने वाला क्या है? एलोवेरा। सो एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है, आप उसको, उसका जो जेल है उसको आप पी भी सकते हो, विच एक्ट्स एज अ डिटॉक्सिफायर एंड इट आल्सो एक्ट्स एज अ हीलिंग एजेंट फॉर योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है हमारी बॉडी में उसको हील करने के लिए या डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज्यादा अच्छा करने के लिए एलोवेरा जूस हम लोग पीते हैं, और इंसानों के लिए बहुत ही अच्छा है बिकॉज अल्सर की जो प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है, वो सभी चीजें इससे तो ठीक होती ही है। एट द सेम टाइम आपको जो फील होगा ना, वो फील होगा बेटर डाइजेशन एंड आपकी एनर्जी भी ड्रामेटिकली इंप्रूव होगी। ओके, पर्सन एनर्जी लेवल भी बढ़ता है इससे। अगर आपका डाइजेशन ठीक है, आपको एनर्जी फील हो रही है, तो कहने की जरूरत नहीं है, बट यही है कि ओवरऑल वेलबींग के लिए इट इज अ मार्वेलस प्रोडक्ट। डाइजेस्टिव फंक्शन जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टी है इसके अंदर, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अल्सर कोलाइटिस टाइप की प्रॉब्लम के लिए इट इज वेरी गुड
जिनको लोगों को गैस होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है डाइजेशन की, वॉट एवर, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एलोवेरा, एलोवेरा प्लांट। अभी हम सिर्फ एलोवेरा की बात कर रहे हैं, अभी फॉरेवर की बात तो कर ही नहीं रहे, अभी हम फॉरेवर की बात आगे करेंगे कि फॉरेवर के एलोवेरा बेस्ट क्यों है। अब अगर आपका डाइजेशन अच्छा है और एलोवेरा के अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स और बहुत सारे न्यूट्रिशन भी होते हैं, तो इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी सिस्टम ऑल्सो। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? इम्यूनिटी सिस्टम वो सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, एक तरीके से बॉडी का डॉक्टर। अगर आपका बॉडी का डॉक्टर, एक तरीके से बॉडी अपने आप ही अपने आप को ठीक करती है, वो इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका ठीक चल रहा हो तो। ओके, तो इम्यूनिटी सिस्टम जिसका अच्छा होता है वो कम बीमार पड़ता है वो, तो एलोवेरा पीने के बाद बीमारियां भी कम लगती हैं। तो लीवर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इसके अंदर जो भी एसेंशियल एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन के लिए, लीवर फंक्शन के लिए, वो सब एलोवेरा के अंदर पाए जाते हैं। लीवर क्लींसिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। और लीवर अगर आपका क्लीन ना हो, एक्चुअली लीवर एक ऐसा हमारी हमारे बॉडी पार्ट है जिससे जो टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, अलग करता है, और अगर वही क्लीन ना हो, वही अगर ठीक से काम ना कर रहा हो, तो टॉक्सिन हमारी बॉडी में जमते चले जाएंगे। एलोवेरा के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, एक नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है जिसको बोलते हैं सेपोनिन। सेपोनिन ये जो इंग्रेडिएंट है, ये ही हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, सेपोनिन। ओके, तो ये टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल वर्ड आपको याद हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन यह है एटलीस्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या क्या यूजेस हैं एलोवेरा के। और जैसा आपको पता है कि अगर एक ह्यूमन बॉडी की अगर सेल्स हेल्दी हैं, तो फिर वो ह्यूमन बॉडी हेल्दी होती है। तो एलोवेरा की रिमार्केबल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, जो कि सेल को रिन्यू करने प्रोसेस, रिन्यूअल जो प्रोसेस होता है ना, उसको स्पीडअप करता है। तो जो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो टूटते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं, और जो नए सेल बनते हैं वो हेल्दी सेल्स बनते हैं, अगर कोई भी पर्सन रेगुलरली एलोवेरा को पीता है तो। फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट में हम सभी लोग बिजनेस करने आए थे, बट इस कंपनी में आने के बाद हम सभी लोग स्वस्थ भी अपने आप ही हो रहे हैं एज अ साइड इफेक्ट, बिकॉज हम सब लोग एलोवेरा यूज कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम लोग किसी को भी एलोवेरा या कोई भी प्रोडक्ट को सजेस्ट करें, फर्स्ट वी शुड रीड ऑल दिस लिटरेचर, वी शुड फर्स्ट यूज दिस प्रोडक्ट्स एंड अंडरस्टैंड कि इसका फील कैसा आ रहा है, उसके बाद आप लोगों को शेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ फॉरेवर हमारी कंपनी का जो एलोवेरा होता है वो स्टेबलाइज्ड होता है। स्टेबलाइज का मतलब कि एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो कि वार्म एंड ड्राई कंडीशन में ही बनता है, मतलब कि ये एक तरीके से कैक्टस टाइप ऑफ प्लांट है जिसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये अपना जो खाना है ना, वो आसपास के एनवायरमेंट से ही अपने एक तरीके से जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो क्लाइमेट का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो क्लाइमेट अच्छा होता है, जो प्लांट ग्रो होता है, तो उसके बाद जब आप उस एलोवेरा को मतलब लीफ से निकाल लेते हैं ना, तो बहुत जल्दी वो ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। आपने देखा होगा जब आप सेब काट लेते हो, सेब काटने के बाद थोड़ा टाइम उसको रख देते हैं, तो धीरे धीरे करके वो काला पड़ने लग जाता है, बिकॉज वो ऑक्सीजन के टच में आता है, वो ऑक्सीडाइज प्रोसेस उसको बोलते हैं। एलोवेरा भी एक ऐसा प्लांट है जिसका जेल बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो ऑक्सीडाइज ना हो इसके लिए हमारी कंपनी के पास एक स्पेशल फॉर्मूला है जो कि उसको स्टेबलाइज करता है। जो भी जैसे हमारा एलोवेरा जो है वो 2 साल की उसकी बेस्ट बिफोर डेट जो होती है वो 2 साल की होती है, तो 2 साल तक वो उतना ही प्योर, उतना ही उसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं जितने तब होते थे जब आप उसको बिल्कुल नेचुरली मतलब उसी टाइम पे जब आप निकालते हैं। ओके, तो वी हैव अ स्पेशल स्टेबलाइज फॉर्मूला जो कि पेटेंट है, कोई और कंपनी इस फॉर्मूले को नहीं बना सकती, दिस इज अ पेटेंट प्रोडक्ट। ओके, तो स्टेबलाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग द जेल इन अ स्टेट एज क्लोज एज पॉसिबल टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। हम लोग जो फॉरेवर का अपनी कंपनी का जो टेट्रा बॉटल है उसको जब ढक्कन ओपन करते हैं ना, और जब एलोवेरा पीते हैं, ये उतना ही प्योर है, एक तरीके से समझ लीजिए जैसे प्लांट को छील के हम खा रहे हैं, और वो प्लांट एक प्रॉपर एनवायरमेंट में बना होता है, जो एनवायरमेंट हमारी कंपनी बना के रखती है, प्रॉपर एटमोसफेयर। अगर ये क्वेश्चन जैसे आता है माइंड में कि ये प्रोडक्ट महंगा है, या ये क्वेश्चन आता है कि ये तो हमारे घर पे भी लगा हुआ है, इन सब चीजों के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं अभी। ओके, अब ये जैसे मैंने अभी छेड़ी दी बात कि हमारे तो घर पे एलोवेरा बना हुआ है, हमारे घर पे लगा हुआ है, होम ग्रोन वर्सेस ऑर्गेनिकली कल्टिवेटेड एलो, ये क्वेश्चन आप जरूर फेस करेंगे। आप ही के कुछ ना कुछ कस्टमर्स या कुछ ना कुछ प्रोस्पेक्ट्स होंगे जो आपसे बोलेंगे एलोवेरा तुम्हारे घर पे लगा हुआ है, उसका आंसर इस बुक के अंदर है। ओके, इट इज वेरी कॉमन टू सी प्लांट्स पॉटेड ऑन
विंडो सील्स, और मतलब लोगों के घर पे या पार्किंग लॉट पे एलोवेरा रख लेते हैं लोग। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो कि ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, रात को भी है। ओके, तो इसको इसका मतलब क्या होता है कि ये बेडरूम में रखने के लिए इट इज वेरी गुड, बिकॉज यूजुअली प्लांट रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन नहीं, एलोवेरा 24 आवर्स ऑक्सीजन ही छोड़ता है। तो इट इज वेरी गुड फॉर होम, मतलब घर पे रखने के लिए प्लांट ये बहुत अच्छा है। ऑल्सो एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो कि आसपास का जो एटमोसफियर है ना, उसमें से टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करता है। अब अगर आप एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में, आपको पता ही है यहाँ पे कितना ज्यादा पॉल्यूशन और इन सब टाइप की प्रॉब्लम है। और यहाँ पे अगर आपने घर में एलोवेरा लगा रखा है और एलोवेरा प्लांट की प्रॉपर्टी है कि वो टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करता है, तो आप उस एलोवेरा जेल को पिएंगे तो क्या होगा, या उसका आंसर आप ही को पता है। एलोवेरा एनवायरमेंट के टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करता है। अगर आप उस टॉक्सिनेटेड एलोवेरा को खाएंगे या पिएंगे, आप एक तरीके से पॉइजन ही ले रहे हैं, जो जैसे कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रस गैस, पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर जो भी है दुनिया भर के, वो आप ले रहे हैं। जो भी ये कहता है कि मैं मेरे घर में एलोवेरा लगाए, मैं उसको खा लिया करूंगा, आप कभी भी उसे पूछेगा, कभी भी उसको कोई फर्क कभी पड़ा ही नहीं होगा। या तो उसको ये नहीं पता कि ये कौन सी स्पीसीज का है, कोई माली आया उसने सस्ते में एक एलोवेरा लगा दिया। देखिए, तीन फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर तो ये कि एलोवेरा को उसने जो प्लांट दिया आपको, वो उसका उसकी एज कितनी है, 1 साल 2 साल कितनी एज है, उम्र कितनी है उस एलोवेरा की। जब तक वो 3 या 4 साल का एक एलोवेरा का प्लांट ना हो जाए, तब तक वो मैच्योर नहीं होता, और जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, तब तक उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन नहीं आते। अगर आप एक बच्चा एलोवेरा को खाएंगे, उसके अंदर तो न्यूट्रिशन थे ही नहीं, आप खा के क्या फायदा, आप सिर्फ मन की संतुष्टि कर रहे हैं। दूसरी चीज, एलोवेरा एटमोसफेयर से टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करता है, और आप अगर दिल्ली एनसीआर या पूरी इंडिया में कहीं पर भी अगर आप इसको करें, पिच मतलब प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है एलोवेरा को ग्रो करने के लिए, तो आप एक तरीके से पॉइजन को ही इंटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर जो एनवायरनमेंट है जो बनाना चाहिए, एक प्रॉपर ड्राई एटमॉस्फेयर, एक प्रॉपर गर्म एटमॉस्फेयर, वो जो एटमॉस्फेयर है वो फॉरएवर के पास प्लांटेशन है प्रॉपर इन सब चीजों का। वी आर दी एक्सपर्ट इन एलोवेरा एंड वी आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एलोवेरा। देखिए, जैसा आपको पता ही है कि कंपनी 40 साल से चल रही है, और हमारी उम्र अगर 30 साल है, तो हमारी उम्र से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस कंपनी को एलोवेरा के ऊपर, एलोवेरा प्लांट के ऊपर। तो अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए कि ये जो एलोवेरा है ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, अमेरिका में कैसा करते होंगे, कैसा प्लांटेशन होगा, क्या होगा। दे वी मतलब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इज एन एक्सपोर्ट। ठीक है, जो हम सोच भी नहीं सकते, उससे बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं हमारी कंपनी के पास, जो प्रॉपर रिसर्च करके ही, प्रॉपर टेस्ट करने के बाद ही, प्रॉपर सील ऑफ अप्रूवल और प्रॉपर सर्टिफिकेशन के बाद ही हमारे पास इंडिया में आए हैं, हमारे हाथ में। ओके, सो वी हैव दी प्योरेस्ट एलोवेरा इन दी वर्ल्ड। घर पे अगर आप लगाएंगे तो बारबाडेंसिस मिलर है, कौन सा है आपको खुद नहीं पता। तो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में बनाया जाता है, देर इज नो हार्मफुल केमिकल, पेस्टिसाइड कुछ नहीं डाला जाता है इसके अंदर, और 3 साल तक उसको कल्टीवेट किया जाता है, उसके बाद उसको हार्वेस्ट किया जाता है 3 साल तक। तो सोचिए कितनी बड़ी प्लांटेशन है। ओके, कुछ कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट एलोवेरा कि एलोवेरा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सेपोनिन जो कि एक तरीके से क्लींजिंग इफेक्ट की तरह काम करता है, एंड लिग्निन, लिग्निन एंड सेपोनिन, देखिए टेक्निकल वर्ड है, आपको नाम याद ना भी हो नो प्रॉब्लम, आपको बस पता होना चाहिए कि एलोवेरा क्लीन करता है बस, और लिग्निन क्या करता है, बस आपको डीपली पेनिट्रेट करता है सेल लेवल तक। ठीक है, सेल लेवल तक पेनिट्रेट करता है कि जिससे कि आप जो एलोवेरा ले रहे हैं वो प्रॉपर सेल लेवल तक पहुंच पाए। और हमारी कंपनी ने प्रॉपर्टी लिखा है कि जो स्किन की प्रॉब्लम होती है ना, एक्जिमा और सोराइसिस, इन सब टाइप की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अंदर हमारे एलोवेरा के अंदर प्रॉपर मिनरल्स, सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है, अमीनो एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं। ओके, एंड मतलब एवरीथिंग, एक तरीके से एंटीबायोटिक, एंटी फंगल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जो भी होनी चाहिए, जो कि इंसानी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, सब चीजें इसके अंदर है। एक तरीके से ऑल इन वन न्यूट्रिशनल ड्रिंक है ये। अगर एक पर्सन अगर दिन भर, और एक तरीके से बोलेंगे एक हैबिट बना लें, इवन हम लोग भी बिजनेस
में कितना रुपया कमाएंगे वो एक अलग ही टॉपिक है, बट अगर हम अगर हम लोग खुद से एवरी डे अगर हम एलोवेरा लेने लग गए और हम अपने यही आदत को और अपने स्पाउस को या अपने फैमिली को और ज्यादा लगा दिया, तो डेफिनेटली उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, और जब हेल्थ अच्छी होगी तो प्रोडक्ट का को रेफर करना बहुत ही आसान है। ओके, तो मार्वेलस प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर ऐसी जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल। जो कि फर्स्ट डे हमने देखा था कि जिस हिसाब से टॉक्सिन्स हैं एयर वाटर एंड फूड में, दिस इज मस्ट, हमको ये लेना ही पड़ेगा। इसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, विटामिन बी के पूरा सीरीज, B1, 2, 3, 5, 6 एंड 12, सारा का सारा है इसके अंदर, सारे बी कॉम्प्लेक्स है पूरा, एंजाइम्स हैं इनके इसके अंदर। तो ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग पूछते हैं कि विटामिन B12 है कि नहीं, विटामिन B1, 2, 3, तो आप ये बता सकते हैं कि इसके अंदर ये सभी चीजें हैं। ओके, विटामिन बी जो होता है, इट इज वेरी गुड फॉर योर एनर्जी एंड ब्लड, और टिश्यू ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सभी चीजें एलोवेरा के अंदर हैं, और हमारा एलोवेरा दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा है। और ये एक पेज है जिसके अंदर मतलब एक तरीके से जो हमने डिस्कस करा उसी का समरी है इन प्रॉपर बुलेट पॉइंट में, तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। अब हम बात करते हैं कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो क्यों इतना अच्छा है, ये बुक उसके बारे में इतना अच्छा क्यों लिख रही है। देखिए क्यों लिख रहे हैं हम लोग इतना अच्छा, बिकॉज वी हैव गॉट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। देखिए एक होता है FDA, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे इंडिया में ISSI, FSSI होती है, वैसे ही अमेरिका में FDA होता है। ओके, और FDA के हिसाब से कोई भी अगर एलोवेरा का मैन्युफैक्चरर है अगर, तो अगर वो 2 टीस्पून अगर एलोवेरा 1 लीटर की बोतल में अपना डालता है, तो वो उसकी पैकिंग के ऊपर लिख सकता है कि दिस इज 100% एलोवेरा जूस। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि मार्केट में आने वाले जो एलोवेरा है उसमें भी तो लिखा है 95% एलोवेरा, उसमें भी तो लिखा है 99% एलोवेरा, उसमें हो सकता है ये भी लिखा हुआ मिले आपको कि 100% एलोवेरा जूस। और आपका कस्टमर हो सकता है आपसे बहस करे कि भाई ये देखो 300 रुपए का या 400 रुपए का, इसके ऊपर भी तो 100% एलोवेरा दिखाएं। लेकिन नो, जिस अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और सोचिए अमेरिका का जो रूल एंड रेगुलेशन है फूड एंड सेफ्टी का, वो कहता है ओनली 2 चम्मच अगर आप एलोवेरा डालते हो 1 लीटर के पानी के अंदर, तो आप उसको 100% लिख सकते हो। ओके, तो दिस इज क्योंकि ऐसा है तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। ओके, टू सर्ट टू सर्टिफाई, मतलब एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट के लिए उनको सर्टिफाई करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, इनकी जो वेबसाइट है IASSC.org, इस वेबसाइट में जाके देख सकते हैं ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कब डेवलप हुई, 1980 में वैसे स्टार्ट हुई थी ये। और ये जो सर्टिफिकेट मिलता है, ये सर्टिफिकेट मिलता है जो रियली में प्योरेस्ट एलोवेरा होते हैं। तो देखिए हमारी जो बुक है ना गुड हेल्थ, इसके अंदर सारे क्वेश्चन का आंसर लिखे हुए हैं। अगर हम लोग इस बुक को पढ़े, और अगर ज्यादा हमारे पास कोई कस्टमर कोई क्वेश्चन करे, अगर हम उसको इस बुक को अगर हम एज ए गिफ्ट उनको दे दें, तो ऑल क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन द रिटन फॉर्मेट। इतनी बड़ी कंपनी ने जो कि 160 कंट्रीज में है, ये सब चीजें ना अपनी ऑथराइज बुक में लिख के दी हैं। अगर लिख के दी हैं तो मतलब बहुत सोच समझ के लिख के दी हैं कि डेफिनेटली दिस इज द राइट इंफॉर्मेशन। ओके, तो वी हैव गॉट द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड वी मेंटेन द क्वालिटी। हमारा स्टेबलाइज एलोवेरा होता है और बेस्ट कंटेनर में होता है। डीटॉक्सिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया ही था, बट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन डीटॉक्सिफिकेशन की टॉक्सिन्स और ये सब चीजें क्या होती हैं, तो आप इसके बारे में इस बुक को और थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आज ये जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें मैं आपको कुछ बुलेट बुलेट पॉइंट या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ा ही नहीं है। आपको पता है कि गुड हेल्थ बुक है बट आपने पढ़ी नहीं है, बट इसीलिए जस्ट मैं आपको वॉक थ्रू कर रहा हूँ इस बुक का। बट एक बार और आप खुद से पढ़ेंगे, इट विल बी वेरी गुड, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी समझने में। अब एक चीज और भी होती है कि मैंने किसी को एलोवेरा दिया या मैंने एलोवेरा पिया और वो पीने के बाद मुझे कुछ गड़बड़ सी लगी, तो उसको बोलते हैं हीलिंग क्राइसिस।
देखिए, अगर आप बहुत टाइम से आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हैं और आप एकदम से उसकी सफाई करने लगोगे तो थोड़ा सा फील तो होगा। तो इसको हम बोलते हैं हीलिंग क्राइसिस। ओके, कभी कभी हो सकता है कि जब आप कोई एलोवेरा यूज कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा वो टायर्ड फील करे, या हो सकता है उसको थोड़ा सा बॉडी एक हो, हल्का सा फीवर हो सकता है, बहुत ही रेयर है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हो सकता है बिकॉज टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी एक तरीके से कुछ इस तरीके से कुछ फील होता है किसी को भी, थोड़ा सा रनिंग नोज, हल्का सा एक्ने हो गया स्किन में थोड़ा सा, तो डोंट वरी एट ऑल, इट इज अ गुड न्यूज कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन रिमूव हो रहे हैं। और जब आपकी बॉडी से, जैसे हमने फर्स्ट डे देखा था, बॉडी से टॉक्सिन रिमूव कैसे होंगे, स्किन से होंगे या फिर अलग अलग वे हैं, पांच पांच वेज होते हैं, उसके थ्रू हमारे टॉक्सिन रिमूव होंगे। तो हमारे टॉक्सिन रिमूव हो रहे हैं, ये उसका गुड रिजल्ट, मतलब एक तरीके से गुड, एक तरीके से सिम्टम है। ओके, तो अगर इस टाइप के सिम्टम्स आप ना फेस करें, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी एलोवेरा को आप ले रहे हो, एलोवेरा जब भी आप पी रहे हो तो दिन भर खूब पानी पीजिए। द बेस्ट वे टू गेट रेड ऑफ दीज सिम्टम्स इज टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। दिन भर खूब पानी पीजिए सो दैट जो भी हमारा जो टॉक्सिन रिमूव हो रहा है वो हमारी यूरिन से रिमूव हो, स्किन से नहीं। स्किन से होगा तो थोड़े से एक्ने हो सकता है। ओके, तो हमारा यूरिन से रिलीज हो जाए सारा का सारा। तो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, थोड़ा सा लाइट हल्का खाना खाइए सो दैट आपके हीलिंग क्राइसिस का जो प्रॉब्लम है वो ना हो। ओके, तो डोंट वरी, इसको हीलिंग क्राइसिस क्राइसिस बोलते हैं। ओके, तो गुड डाइजेशन फंक्शन के लिए अच्छा होता है, सारी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। अगर आपका डाइजेशन क्लियर नहीं है और आप ऊपर से न्यूट्रिशन खा रहे हैं तो सारा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी से ऐसे ही पास आउट हो जाता है। एलोवेरा क्या करता है, न्यूट्रिशन तो है इसके अंदर, एट द सेम टाइम पहले वो क्लीन करता है, फिर वो टॉक्सिन्स रिमूव करता है, एलिमिनेट करता है, और जो भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए उसको प्रॉपर एब्जॉर्ब भी करता है, और वो एब्जॉर्ब करता है ब्लड के लेवल तक, जो कि ब्लड के थ्रू ये न्यूट्रिशन कैरी होते हैं सेल तक। और जब सेल तक जाते हैं हमारे न्यूट्रिशन और प्रॉपरली जब सेल हेल्दी होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी हो जाती है। तो जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस बुक। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। ओके, और एक चीज और, एक डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है यहाँ पर, ये जो विलाई होती है हमारी विलाई इंटेस्टाइन के अंदर, एक तरीके से ये जैसे चाय, अगर आपने पी होगी, चाय कभी बनाई होगी आपने, तो चाय बाद में जो छानते हैं ना, वो जो छलनी होती है, ये छलनी की तरह काम करता है हमारी बॉडी में। तो छलनी की तरह ये होता है हमारे इंटेस्टाइन में कि जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो सारी इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं और जो भी न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पर। ओके, सो अगर हमारा ये जो विलाई, अगर ये बार बार टॉक्सिन्स हम डालते रहे तो ये फुल हो जाता है। अगर ये फुल हो गया, एक तरीके से आप एक छलनी को यूज कर रहे हो, बार बार चाय डाले जा रहे हैं, चाय पत्ती वहां पे जमा होते जा रही है, तो एक टाइम पर वो ब्लॉक हो जाता है, आपको वो छलनी को क्लीन करना पड़ेगा ना, तभी तो वो चाय छलेगी। करेक्ट, तो सिमिलरली इसको भी हमें, हमको क्लीन करना पड़ेगा। एलोवेरा जूस पियेंगे, ये हमारा क्लीन रहेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होंगे, ब्लड में जाएगा, ब्लड से सेल में जाएगा, और ओवरऑल वी विल फील एनर्जेटिक एंड हेल्दी। ओके, 90% केसेस में जो डिसीजेज होती हैं वो डाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से होती हैं। सारे सेल टिश्यू, बोन, ग्लैंड, ग्लैंड एंड ऑर्गन लेवल पे, मतलब ये नरिश करता है न्यूट्रिशन को एलोवेरा। डिसीजेज एंड डिसऑर्डर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसको प्रॉपर ट्रीट करता है, और जो बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, ये स्ट्रेंथ देता है। ओके, 99% ऑफ ऑल दी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, मतलब मेडिसिन, कभी भी हील नहीं करते या क्योर नहीं करते, दे मेयरली हाइड और मास्क, सिर्फ उसके ऊपर एक सुरक्षित, मतलब एक कवच डाल देते हैं बस, तो वो कभी भी कोई भी दवाई हील या क्योर नहीं करती। बट ये जो प्रोडक्ट है हमारा नेचुरल, दिस हील या क्योर अवर बॉडी फ्रॉम विद इन। इट टेक्स लिटिल टाइम, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है हमारा, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा है, और ओरल हेल्थ के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा टूथपेस्ट भी आता है एक ब्राइट टूथजेल के नाम से, इसके अंदर भी एलोवेरा होता है एंड प्रोपोलिस होता है, जो कि हमारे गम्स के लिए और हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर फ्लोराइड नहीं है। फ्लोराइड हमारी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। गलती से अगर हम फ्लोराइड ले लेते हैं, जो कि नेचुरली हम ले ही लेते हैं, बच्चा भी अगर टूथपेस्ट करता है तो धीरे धीरे करके ये बहुत सारी चीजों को ना हमारी बॉडी में डैमेज करता है स्लोली स्लोली।
कम उम्र में ज्यादा एज दिखना, या फिर बोन्स को वीक हो जाना, या फिर मेंटली एक तरीके से ब्रेन पे इफेक्ट करना, बहुत सारी चीजें बैड इफेक्ट्स होती हैं फ्लोराइड के। बट एफएलपी हमारी कंपनी का जो टूथपेस्ट है उसमें कोई फ्लोराइड नहीं है। ओके, स्किन केयर के लिए अच्छा है, तो ये सब हमने डिस्कस किया था। डीपली पेनिट्रेट करता है, और कुछ टेस्टिमनीज हैं इस बुक में, टेस्टिमनीज को गो थ्रू कर सकते हैं कि कैसे कैसे किसको क्या प्रॉब्लम थी, और कैसे प्रोडक्ट यूज करके उसका बड़ी बड़ी डिसीज, बड़ी बड़ी घाव ठीक हो गए। फॉर एवर इन प्रोडक्ट कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में प्रॉपर लिखा हुआ है, और भी जो प्रोडक्ट रेंजेस हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फॉर एवर इन प्रोडक्ट, हमारी कंपनी का जो एलोवेरा प्लांटेशन है वो है साउदर्न टेक्सास में, अमेरिका में, मैक्सिको में, एंड डोमिनिकन रिपब्लिक में। यहाँ पे हमारा कल्टीवेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है एलोवेरा की। तो इंडिया में या और किसी कंट्री में एफएलपी का प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर होता। तो क्या मुझे फॉरएवर का ही प्रोडक्ट लेना चाहिए? बाकी ब्रांड का तो सस्ता होता है। इसके बारे में ये भी क्वेश्चन का आंसर कंपनी ने लिख दिया है। व्हाई शुड आई बाय फॉरएवर लिविंग एलोवेरा व्हेन आई हैव अदर ब्रांड जो कि चीपर है। इसके ये बुक पढ़िएगा, मैं इसके बारे में आपको नहीं बता रहा आज, बिकॉज एक आपके पास होमवर्क भी तो होना चाहिए। इस पूरे पेज को पढ़िएगा, इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखिए क्यों थोड़ा सा महंगा है ये। और सर्टिफिकेट्स की बात करें तो वर्ल्ड के जो बेस्ट फूड सर्टिफिकेट्स मिलने चाहिए वो सारी सर्टिफिकेट्स फॉरएवर के सभी प्रोडक्ट्स को मिले हैं। तो अगर इन कोशर रेटिंग क्या होता है, हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये सब चीजें क्या होती हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा इंटरनेट पे भी रिसर्च कर सकते हैं। अल्टीमेटली बस मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा इस पूरा पेज के अंदर, कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मेंटेन करती है कंपनी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। ओके, तो बेस्ट एलोवेरा हमको मिलता है, और ऐसा कहा जाता है कि इफ द डाइट इज रॉन्ग देन मेडिसिन आर ऑफ नो यूज, इफ डाइट इज राइट देन मेडिसिन आर ऑफ नो नीड। अगर आपका डाइट ठीक है तो मेडिसिन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमारे जो फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी, वो भी एलोवेरा को यूज करते थे। जब वो लंबे लंबे फास्ट करते थे तब वो भी एलोवेरा प्लांट को बहुत ज्यादा यूज करते थे। तो दिस इज इट अबाउट दिस बुक। ये बुक इंडियन करेंसी के हिसाब से ओनली 35 रुपीज की है। ये 35 रुपीज की बुक बहुत कुछ आपको सिखाएगी भी आपके सेल्फ लर्निंग के लिए, एंड ऑल्सो इट इज अ टूल, इट इज अ बुक विच यू कैन गिफ्ट टू योर प्रोस्पेक्ट्स, टू योर कस्टमर्स। इस बुक में सारी इंफॉर्मेशन है जो कि एक पर्सन को पता होनी चाहिए अबाउट अवर मार्वेलस प्रोडक्ट। सो दिस इज इट अबाउट टूडेज ट्रेनिंग। वी हैड अ वॉक थ्रू ऑफ दिस बुक,